भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थन वाले पैनल के WFI चुनाव में शानदार जीत हासिल की है। ब्रजभूषण के करीबी संजय सिंह ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष का पद के चुनाव में अपनी प्रतिद्वंद्वी अनीता स्योरण को शिकस्त दी है। शानदार जीत के बाद ब्रजभूषण के बेटे प्रतीक भूषण सिंह ने एक तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की, तो वहीं अब ब्रजभूषण शरण सिंह ने बाहर लगे पोस्टर में लिखा है कि दबदबा है, दबदबा बना रहेगा, ये तो भगवान देख रहा है। वहीं उन्होंने इस पर एक बयान देते हुए भी अपनी बात स्पष्ट की है। देश के पहलवानों की जीत है ये। फेडरेशन अपने लिए नहीं चुनी जाती है, देश के खेल को बढ़ाने के लिए चुनी जाती है। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि 11 महीने के अंदर जो कुश्ती का नुकसान हुआ है, खेल की गतिविधि बंद है, नई फेडरेशन तुरंत इस गतिविधि कुश्ती के गतिविधि को शुरू करे और जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई करे। और ये मेरी जीत नहीं है, देश के पहलवानों की जीत है। आज हिंदुस्तान के लगभग हर अखाड़े पर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, सारे अखाड़ों पर ऐसे ही पटाखे दग रहे हैं। सांसद जी, दबदबा तो है, इस तरीके का हमने पोस्टर भी देखा है, उसको एक बार दोहरा दीजिए और इसके पीछे क्या मकसद है, किसे आप संदेश देना चाहते हैं? अब जिसको संदेश लेना हो वो संदेश ले, दबदबा था, दबदबा रहेगा। और ये भगवान ने दे रखा है, ये भगवान ने दे रखा है पहलवानों को, और फिर जो मतदाता हैं उनको तो है ही। और मैं सरकार को भी धन्यवाद करता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह चुनाव हुआ है, इसकी PIL सरकार ने डाली थी। एक तरीके से सरकार के आदेश पर यह चुनाव हुआ है, क्योंकि हरियाणा चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने इसको स्टे कर दिया था और उसके खिलाफ खेल मंत्रालय गया, भारत की सरकार गई। और इसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं, खेल मंत्रालय को बधाई देना चाहता हूं कि चुनाव हुआ, निष्पक्ष चुनाव हुआ और चुने गए लोग। 11 महीने का कुश्ती पर ग्रहण लगा था, आज यह ग्रहण 11 महीने 2 दिन 3 दिन के बाद समाप्त हो गया। और कुश्ती ऊंचाई पर गई थी तो पहलवानों की बदौलत गई थी। पहलवान थोड़ा सा हतोत्साहित थे, लेकिन वो पहलवान करंट में आने में उनको देर नहीं लगेगा और 10 दिन के अंदर माहौल जो है कुश्ती का फिर बदल जाएगा और फिर हम ओलंपिक में वही प्रदर्शन करेंगे जो देश हमसे चाहता है।